जो नेकी ना करे वो भी गलत, और जो नेक काम करके अपने आप को नेक समझे। बोलो मोबाइल में है। जो नेकी न करे वो भी गलत, और जो नेकी करके अपने आप को नेक समझने लगे। रास्ता क्या है? करते भी रहो और सब कुछ करके खुदा से डरते भी रहो। क्या बात! इबादत करो, रियादत करो, तकवा तहारत, तस्बीह तहमीद, जिक्र शुक्र, खैरात, एक दूसरे की मदद, सब कुछ करो, लेकिन करने के बाद भी ये समझो कि हमने कुछ भी नहीं किया, बख्शिश अल्लाह के करम से होगी। बेशक बेशक। हाँ, जो अल्लाह को भूल जाए वो भी गलत, और जो अल्लाह अल्लाह करके इस पे फूल जाए। बोलो, डरो मत। जो फूल जाए मैंने बहुत कर ली, वो भी गलत। याद रखना ये बात है, ध्यान रखना, शैतान लगा हुआ है, पता नहीं चलता। आदमी को पता नहीं चलता है कि मैं कहां पहुंच चुका हूं, कितने गहरे गड्ढे में गिर गया हूं। और लोगों की तारीफ पर नहीं जाना चाहिए कि लोगों ने तारीफ कर दी हमारी, तो हम पता नहीं कौन हो गए ना। बड़ी खतरनाक मंजिलें हैं, बस अल्लाह ही बचाए। किसी को शैतान करने नहीं देता है, और किसी से कराने के बाद भी उसके दिल में खुद ही पैदा कर देता है कि मैंने बहुत कर लिया। कभी इस पालक पटकी मारता है, कभी इधर पटकी मारता है, दोनों पटकियां हैं शैतान की। इस पटकने से बचो, और सब कुछ करके भी अपने आप को ये समझो कि मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं। सही बात। याद रखोगे भूल जाओगे इंशाल्लाह। अल्लाह तौफीक दे हमें भी आप। आमीन आमीन। मैंने माना कि हामिद गुनाहगार है, मासियत कैश है और खताकार है, बख्श दे मेरे मौला तू गफ्फार है, बख्श दे मेरे मौला तू गफ्फार है, कहती मुजरिम से रहमत है, ला तकना तू अल्लाहु 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 अल्लाहु। एक बार दुरूद शरीफ भी पढ़ लीजिए। اللهم صل على سيدنا محمد مبارك وسلم صلوا عليه الصلاه والسلام عليك يا رسول صلى الله تعالى عليه وسلم। कुरान अजीम की आयत करीमा हमने तिलावत की है। इरशाद फरमाया गया, कुल अलहम्दुलिल्लाह, तुम कहो सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफा, और सलाम हो अल्लाह के उन बंदों पर जिनको अल्लाह ने चुन लिया। इन दोनों आयतों को मिलाकर के देखा जाए तो ये बात मंतिक की नहीं है, कोई गहरी दकीक बारीक बात नहीं है। बहुत साफ सुलझी बात सामने आती है कि अल्लाह की मर्जी ये है कि मेरा भी जिक्र करो और जो मेरे हैं उनका भी जिक्र करो, मुझे भी याद रखो और जो मेरे हैं उनको भी याद रखो। कुल अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सब कहो कि सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफा, और सलाम हो अल्लाह के उन बंदों पर जिनको अल्लाह ने चुन लिया। सिर्फ ये नहीं कहा गया कि अल्लाह की हम्द बयान करो, बाद में सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफा के जरिए से वाजे हो गया अल्लाह की मर्जी यह है कि मेरी हमदो सताइश के साथ, मेरी तस्बीह व तहमीद व तहलील व तकबीर के साथ, मेरी इबादत के साथ मेरे महबूब बंदों को, मेरे खास बंदों को भूल मत जाना,
उनको याद करते रहना, उनके लिए दिल में जगा रहना, उनका नाम लेते रहना, उनसे मोहब्बत करना भी मुझसे मोहब्बत करना है। इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमात का ये मसलक है, ये मजहब है, हमारा ये तरीक़े कार है, तुरने इम्तियाज है कि हम लोग खुदा की इबादत भी करते हैं और खुदा वालों से मोहब्बत भी करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। और ये उर्स वगैरह सब क्या है? ये सब मोहब्बत का इजहार है कि उनको भूला ना जाए, उनको याद रखा जाए। इस सिलसिले में दो तीन बातें मैं आपको बताऊंगा, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, आमीन। पहली बात तो ये कि अल्लाह वालों को मानना भी जरूरी है और ये अकीदा रखना भी जरूरी है कि अल्लाह वालों को भी पैदा फरमाने वाला और ये मर्तबे देने वाला अल्लाह ही है। इसमें जरा सा शक ना हो जाए। उनको भी जो बुजुर्ग बनाया है किसने बनाया, पैदा किसने किया, अल्लाह ने पैदा, इसमें जरा सा शुबा भी ना हो। अपने बदली शरीफ के आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रजा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जिंदगी भर खुदा वालों की तारीफें की, उनकी तारीफ व सताइश, उनकी शान बयान करने में उन्होंने दुश्मनान औलिया किराम से पंगा मोल लिया, दुश्मनी मोल ली, सब्बो शतम सुनी, गालियां सुनी, अल्लाह वालों का जिक्र करते रहे, हुजूर की डांटें लिखते रहे, हुजूर की शान में किताबें लिखते रहे, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान दिलाते रहते थे। एक शेर बहुत मशहूर है, आपने सुना होगा, आला हरत का ही है, बहुत मशहूर है, बहुत पढ़ा जाता है। कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया। हुजूर को हम तन करम भी कह रहे हैं, हुजूर हम तन करम है, लेकिन पहले क्या कह रहे हैं, वही रब है, वही रब है, सब बोलो वही रब है, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। आज कुदरती नजारे, पेड़ों के नीचे बैठ के मुझे अच्छा लग रहा है बहुत, पता नहीं बहुत, पता नहीं क्या बात यही है कि वो बात ही ऐसी है, मजा आ रहा है मुझे। सब लोग पढ़ो, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है, झूम झूम के पढ़ो, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। ये तसव्वुरात बातिल तेरे आगे क्या है मुश्किल, तेरी कुदरत है कामिल, या अल्लाह तेरी कुदरत है कामिल, उन्हें रास्त कर खुदाया, मैं उन्हें शफी लाया, मैं उन्हें शफी लाया। मैंने किताब लिखी है पूरी जिक्र खुदा इमाम अहमद रजा। ये बदमजहब लोग जो होते हैं ना, ये बददीन किस्म के लोग, भाभी भाभी लोग जानते तो हो गई समझे नहीं, इनकी किताबों में मैंने किताबें इनकी पढ़ना पड़ती है, हमें पढ़ना पड़ती है, दिल तो नहीं चाहता है समझे नहीं, क्योंकि अखाड़े में लड़ने के लिए दांव सीखना भी पड़ते हैं और दांव के काट भी सीखना पड़ते हैं ना, और अखाड़े वाले हम भी रहे कभी, अब तो थोड़ा बुढ़ापा शुरू हो गया, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। तो इनकी किताब में लिखा हुआ है कि बरेली के मौलाना अहमद रजा खान ने कभी अल्लाह का नाम ही नहीं लिया, समझे, एहसान अली दहीर पाकिस्तान का लिखता है बदलविया में,
और एक वो खालिद महमूद मैनचेस्टर का है कोई, उसने लिखी है मुतालाए बदीलियत, लिखता है दुरूद शरीफ से ये लोग अल्लाह का निकाह नाम निकालना चाहते हैं। लिखता है जहां अल्लाह का नाम आया बदीलियों का चेहरे का रंग बदल गया, ऐसी बात है। अल बदीलिया में समझे, 20 साल पहले करीब मैंने किताबें ये पढ़ी थी तो मुझे अजीब लगा कि मैंने कहा ये क्या दुरूद शरीफ, तो उन्होंने उनके जरिए से जो दुरूद शरीफ मरवी है उसमें तो पहली अल्लाह का नाम है अल्लाह और अब्बू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं एक मजमून लिखने बैठा, मैं किसी माना में मैं डाल दूंगा, मगर वो लिखने बैठा तो इतना मैटर मिला कि पूरी किताब बन गई, छप गई, हिंदी उर्दू में आ गई। किताबें हमारी और भी हैं, 20-21 किताबें हैं, गाड़ी में रहती हैं, हासिल करो पढ़ो, हिंदी में भी हैं। बल्कि एक किताब हमने लिखी थी, बहुत ज़माना हो गया, मज़ारों पे हादरी, क्योंकि ये मज़ारों के ताल्लुक से सुन्नियों में भी कुछ ऐसी बातें पैदा हो गई हैं जो मसले के मसलक के खिलाफ है। सही बात, अथवा कुछ है और हो कुछ रहा है सुन्नियों के, सुन्नी उलमा के फतवे के भी खिलाफ है बहुत सी बातें। अब मैं उनको इस टाइम छेड़ूंगा नहीं, बातें लंबी हैं, किताब मैंने छोटी सी लिख दी है, छोटी सी है, घंटे में पढ़ लेगा आदमी, समझे। तो गलत फहमियां पैदा करती हैं, उनको भी मैंने सनफ किया है, उनका भी। एक बार तुम्हारे मुरादाबाद से में गुजर रहा था, अखबार मैंने देखा था, एक देवबंदी मौलवी ने लिखा था, उसमें कोई मजमून था कि बदेलवी मौलवी जो हैं ये बदेलवी लोग अल्लाह को वसीले का मोहताज समझते हैं कि अल्लाह बगैर वसीले के दे नहीं सकता। मैंने कहा धोखा दे रहा है, ऐसा नहीं है, अल्लाह बगैर वसीले के दे सकता है, वसीले का मोहताज नहीं है बल्कि वसीला उसको पसंद है। मोहताज नहीं है अल्लाह, अल्लाह मोहताज से क्या मतलब, इत्याज जलल गैर से पाक है, जिस तरह अल्लाह चाहे तो बगैर सूरज के धूप निकाल सकता है, बोलो, बगैर चांद के चांदनी फैला सकता है, बगैर बादलों के बारिश कर सकता है, बेशक बेशक, अल्लाह चाहे तो बगैर माँ बाप के बच्चे पैदा हो सकते, चाहे तो आसमान से बच्चों की बारिश फरमा दे, सही बात, पले पलाए जवान बरसा दे, लेकिन कभी सुना बगैर सूरज के धूप कभी देखी, बगैर चांद के चांदनी कभी देखी, बगैर बादल के बारिश कभी देखी, बगैर माँ बाप के आमतौर से बच्चे पैदा होते कभी सुना, वो मोहताज नहीं है, माँ बाप के बगैर ही बच्चे पैदा कर सकता है, बच्चों को बच्चों को पैदा फरमा सकता है, वो चाहे तो बगैर सूरज के धूप निकाल सकता है, बगैर चांद के चांदनी फैला सकता है, बगैर बादलों के बारिश कर सकता है, और उसकी मर्जी ये है, उसको पसंद ये है कि धूप सूरज के जरिए से मिले, बारिश बादल के जरिए से मिले, चांद चांदनी चांद के जरिए से मिले, बच्चा माँ बाप के जरिए से मिले, ऐसी उसको पसंद ये है कि सारी मखलूक को दीन दुनिया की जो नेमत मिले वो मोहम्मद मुस्तफा के आस्ताने से मिले, सुभान अल्लाह, महबूब गुलामों के बदले, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, सुभान अल्लाह। धोखा देते हैं कि मोहताज, मोहताज अल्लाह से मोहताजी से क्या मतलब, उसको पसंद है, मर्जी है उसकी, नहीं देता बगैर वसीले, समझे आप। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि मैं चाहता हूँ ये किताबें हमारी देख लेना, गाड़ी में रहती, मुफ्ती राज साहब फरमा रहे थे कि मैं ऐलान करा दूंगा, ऐलान ही क्या, मैंने कह दिया देख लियो, गाड़ी में है, जिसके पास जो ना हो हासिल करो। मैंने बद मजहबों के रद्द भी किए हैं और सुन्नियों में लगाम लगाने की मैंने कोशिश की है, क्योंकि सुन्नी जब बेलगाम होता है तो हमारी बदनामी होती है। मुहर्रम के ताल्लुक से मैंने पूरी किताब लिखी, एक छोटी थी, मुहर्रम में क्या जायज क्या ना जायज, दरमियानी उम्मत में तो मैंने बिल्कुल ही लेके चला हूँ शुरू से,
तैमिया उनकी इसलाह वगैरह कई बहुत सारी किताबें अल्लाह ने लिखवाई तब अल्लाह की तरफ से है। मदारों पे हाजिरी तो आए ले लियो हजरत शब्बीर मियां के सदके में अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। अरे मेरे पास पैसे वैसे लेके मत आओ, बैठे रहो। पैसे उसे किसी को देना हुआ करे तो बाद में दे दिया करो मुसाफे वगैरह में। अब मुसाफे वगैरह में भी तुम हमें मत दो। मैं तो आजकल ये कहता घूम रहा हूँ कि मस्जिदों के इमामों से कभी कभी पैसों वाले मुसाफे कर लिया करो। इमामों को और जो बच्चों को दीनी तालीम देते हैं उनसे तनख्वाह के अलावा कभी कभी पैसों वाला मुसाफा कर लिया करो, समझे। भरा मुसाफा बोलते हैं इसको। मुझे ही पता नहीं था कि भरा मुसाफा क्या होता है। मैं एक मरतबा एक जलसे में आया था तुम्हारे मुरादाबाद जिले में, कहीं की बात है इधर संबल उम्बल साइड की, तो जलसे में कोई पीर साहब भी थे, वो ऐलान कर रहे थे उनके साथ में जो कारिंदे थे कि हजरत से मुसाफा कर लो मगर खाली मत करियो, भरा करियो। तो मेरे बराबर में एक मौलाना साहब बैठे थे, मैंने उनसे पूछा ये भरा मुसाफा क्या होता है। बोले आपको अभी तक यही पता नहीं है भरा मुसाफा पैसा है। उस दिन से मैं भी समझ गया। तो वहां तो पीरों का ऐलान हुआ था, लेकिन मेरा ऐलान यह है कि इमामों से कभी कभी पैसों वाले मुसाफे कर लिया। हाँ, जुमे के दिन कर लो कभी भी 10-20-50 रुपए ऐसी, समझे। याद रखोगे भूल जाओगे, इमामों की याद नहीं रहेगी। मुकद्दरों को, शायरों को, पीरों को कर दिया करोड़पति, इमामों को कर दिया तंगहाल। जो घंटे दो घंटे के लिए आए वो गठरिये बांध के ले गए, और जो रात दिन नमाज पढ़ा रहे हैं बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह कुलबल्ला और तहियात दुआ कुनूत याद करा रहे हैं, जनाजे की नमाज पढ़ा रहे हैं तुम्हारे जनाजे के लिए, उन्हें कंगाल कर दिया। गलत तो नहीं कह रहा हूं भैया। और एक बात और सुन लो, इमामों को भी ये नहीं है कि वो नाते पढ़ेंगे तो देंगे, तकरीरें करेंगे तो देंगे, और तकरीर भी कौन सी वाली, धांसू वाली, जब वो कूदेंगे फादेंगे तो पैसे देंगे उनको, मजा आएगा, समझे। नहीं, स्टेज तोड़ कुर्सी फोड़ मैं फाड़ चीखो पुकार, मजा आ गया। धातु तकरीर, अगर ऐसी धातु तकरीरों पे और ये आवाज और गिलेबाजी पर ये पैसे बरसते रहे तो थोड़े बहुत मौलवी रह गए ये भी खत्म हो जाएंगे, सब शायर बन जाएंगे, बता दे रहा हूँ तुम्हें। मदरसे के बच्चे भी सब यही कर रहे हैं, किताबों में ध्यान नहीं है उनका, याद कर रहे हैं, शायरों की सुन सुन के आवाजें बना रहे हैं। जुमे की नमाज में कुछ बातें हो जाती थी इस्लाही खौफो खशियत की, समझा समझा करके धीरे धीरे बोलना चाहिए प्यार से, दिल में उतरे आदमी, पेट तो अल्लाह भरता है। वो होली बहुत हो जाती थी, पहले के मौलवी देखे हैं मैंने जुमे की नमाज में बयान करते थे। हमारे जहाँ भी एक पुराने मौलाना लोग रहते थे उनकी तकीने जन्नत दोजख का जिक्र करते थे, दोजख का अज़ाब सुनाते थे, जन्नत का सवाब सुनाते थे, नमाज के फजाइल, माँ बाप की फरमाबरदारी, दाढ़ी के फजाइल सुनाते थे। तो मैं बच्चा था, मैं उस जमाने में बड़ा डर लगता था उनकी तकीने सुन के, बचपन से ही नमाजी हो। मौलवियत तो मैंने पढ़ी है बहुत दिनों के बाद, कॉलेज में पढ़ने के बाद 10वीं तक, तो बचपन से ही अल्लाह की तौफीक से मैं नमाजी बन गया था। तकीरें सुनकर मौलवियों की मस्जिद में जुमे की नमाज में। अब तो मैंने बात जगह ये देखा है, तुम्हारे इलाके का तो पता नहीं भैया, हमारी तरफ तो ये हो रहा है बरेली जिले में ज्यादातर, आज सबको नहीं कह रहा हूँ कि वो जुमे की नमाज में भी इमाम साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा कि दुरूद शरीफ पढ़ के एक मतला दो शेर समाज फरमा लो, कुछ समझा देते। जुमे की पब्लिक आती है, देखो जुमा अल्लाह की नेमत है, जुमा अल्लाह की रहमत है, बड़ी पब्लिसिटी करके, बड़े प्रोपेगंडे करके, पब्लिसिटी पर बड़े खर्चे करके लोग पब्लिक जमा नहीं कर पाते। जुमे में अल्लाह की शान देखो कि एक ऐलान 1450 साल पहले तकरीबन मदीने में गूंजा था, इदा नूदिया लिस्सलात मिन यौमिल जुमअत फसाउ इला ज़िक्रिल्लाह, एक ऐलान की धमक देखो, लाखों मस्जिदों के पेट जुमे के दिन बगैर किसी नए
बगैर किसी इश्तिहार के, बगैर किसी मजीद प्रोपेगेंडे के, बगैर किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रेस रिपोर्टर के बताए हुए खुद ब खुद मस्जिद भर जाते हैं। इस पब्लिक को सही गाइड कर, उसको जो बताने का है बताओ, समझा। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बात हमारी याद रखना, आप भूलना मत, और लोगों को भी बता देना कि इमामों से कभी कभी पैसों वाले मुसाफे करो। अल्लाह ताला देखो, दीन की तरक्की उन्हीं लोगों से होती है जो तुम में रात दिन रहते हैं। हम आए चले जाएंगे, हजारों मंजिलें ऐसी, हजारों कारवां होंगे, हजारों निगाहें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहां होंगे। हमारा क्या भरोसा जो तुम रह रहे रात दिन तुम्हारे बच्चों को दीन सिखा रहे हैं, कलमे याद करा रहे हैं, उनकी खिदमत करो, देखो। और उन्हें भी चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी को निभाए। हाँ, इमाम की नमाज की फराज की पाबंदी करें, और जब दीन के नाम पे अल्लाह ताला हमें रोटी दे रहा है तो हमको तो ज्यादा दीनदार बनकर आना चाहिए। बात बहुत दूर पहुंच गई। एक बात कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अब बात कह रहा था, वो किताबों की बात आ गई थी, मैं कह रहा था कि आला हजरत ने सिर्फ अंबिया औलिया की तारीफें नहीं की हैं, बल्कि ये भी जगह जगह ध्यान दिलाया है, जगह जगह ध्यान दिलाया है कि हम अंबिया औलिया बुजुर्गों को मानते हैं, लेकिन हमारा बुनियादी अकीदा ये है कि छोटा हो चाहे बड़ा, मरीद हो या पीर, मुक्तदी हो या इमाम, कोई भी हो, लेकिन सबको पैदा फरमाने वाला और सबको मर्तबे इज्जतों अजमतों शानों शौकतों रिफातों विलायतों कुतबियतों बदलियतों फर्दियत गौसियत मनसबे इश्तिहाद नबुव्वत रिसालत महबूबियत जिसके पास जो कुछ भी है वो सब देने वाला अकेला अल्लाह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। इसकी देन में कोई शरीक नहीं, अकेला। और एक बात और ध्यान रखना, अल्लाह ताला जब भी किसी को कुछ देता है तो वो उसका महज करम और फजल होता है, ऐसा नहीं है कोई बदला चुकाता है। किसी का कुछ आ रहा है तो उसको देना जरूरी है ना। जिसको जो कुछ भी देता है या दिया है या देगा, वो महज अपने फजल और करम से आता फरमाता है, एहसान है उसका। सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, हमें उनका रास्ता चला जिन पर तूने इनाम फरमाया, एहसान फरमाया। तौहीद का अकीदा बुनियादी अकीदा है। इस्लाम के अकीदे में तौहीद और रिसालत ये जड़ें हैं। अल्लाह ताला ईमान पर कायम रखे। और यही देखिए, अरे पानी उनी थोड़ा सब्र कर लो यार, अभी रोजे रखे हैं, अभी इतनी जल्दी क्यों भूल गए? उधर रोक लें भाई, थोड़ी देर रोक लो, थोड़ा सब्र कर लो। हम तो बोल रहे हैं फिर भी पानी नहीं पी रहे हैं, हम तो बैठे हो। ये रोजे इसीलिए रखे गए हैं कि रोजों के अलावा भी सब्र करना आ जाए। बेशक, रोजा एक ट्रेनिंग है, तरबियत जी। तो एक ही जगह नहीं बल्कि आला हजरत ने जगह जगह ये जहन दिया है। फिक्र खुदा इमाम अहमद रजा किताब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आला हजरत जो थे वो अल्लाह को भुला नहीं रहे थे जैसा कि वो पकड़ाए, बल्कि वो अल्लाह वालों के जरिए अल्लाह की याद दिला रहे थे। अल मलफूज में लिखा है, ये उलमाए किराम जानते हैं। एक बार आला हजरत से किसी ने पूछा, वली किसे कहते हैं? तो वली की डिफिनेशन, वली की तारीफ बहुत सी हो सकती है। मुत्तकी परहेजगार, दीनदार, सब जिंदादार, बहुत तारीफें हो सकती हैं और सब सही है।
लेकिन आला हजरत से जब पूछा कि बलि की तारीफ क्या, बलि किसे कहते हैं, देखो उन्होंने क्या फरमाया। अल मलफूज में है, फरमाते हैं हदीस में आया है, औलिया अल्लाह इज़ा रूह ज़िक्र अल्लाह, अल्लाह का बलि वो है जिसे देख के अल्लाह की याद आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसकी याद आ जाए? हाँ, कौन कह रहे हैं कि अल्लाह को बुला रहे हैं कि याद दिला रहे हैं? बोलो भैया। और जी बकवास कर रहे हैं कि अल्लाह को बुला रहे थे, वो झूठे हैं कि नहीं? इसे देख के अल्लाह की याद आ जाए, यानी बलि वो है कि जिसे देख करके आदमी को खुदा की इबादत का मजा आने लगे, लज्जत पैदा हो जाए। बलि वो नहीं है कि जो नमाज़ें छुड़ा रहे हैं, बलि वो है कि जो बेनमाज़ियों को नमाज़ी बना रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक हक जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये पीरी मुरीदी इसलिए नहीं चली थी हम ये समझ लें कि मुरीद हो गए बस छुट्टी, बल्कि मुरीद होने का मतलब ये था कि पीर को देखकर मुरीद होकर हमारे दिल में खुदा का खौफ पैदा हो जाए, बारगाह इलाही में सर झुकाने का मजा हासिल हो जाए, मस्जिद के चक्कर लगाने का शौक पैदा हो जाए। बात पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि आजकल कुछ हैं ऐसे भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है खाली मैंने कह दिया, खुले जहन दे रहे हैं, नमाज वगैरह रोजे वगैरह शरी कह रहे हैं, शरीयत अलग है तरीकत अलग है। अरे भले आदमी, कोई बात हुई? कलमा एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ही कलमा है जिसको अल्लाह तक पहुंचना है। कोई बात टाइम हो गया बता दे। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, मुझे ऐसा लगता है कि आज ये प्रोग्राम में से मैं तो 11-12 बजे आ गया था, प्रोग्राम को नमाज घर से पहले खत्म कर देना चाहिए था, जो हो तो गलत रहा है। अब चलो जमातें तो नहीं मिल पाएंगी भैया, जमात के बाद जहाँ जिसका मौका लगे घर की नमाज जरूर पढ़नी, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गों से असली सच्ची मोहब्बत यही है। ठीक है ठीक है ठीक है। कलमाए शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे, काफी लोग हैं कि उर्सों में भी जाएंगे, मजारों पे जाएंगे, फातिहा कोई नहीं छोड़ेंगे, मगर मस्जिद में जाने की फुर्सत नहीं है। मैं इनकी मोहब्बत को कामिल नहीं मानता, मैं नियाज़ो फातिहा का कायल हूं, मैं दरगाहों मजारों पर जाने का कायल हूं, खुद भी जाता हूं, लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ रहा है, रोजे नहीं रख रहा है, ज़कात नहीं निकाल रहा है, माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है, किसी पे जुल्म कर रहा है, किसी को सता रहा है, शराब पी रहा है, जुए खेल रहा है, सिनेमे देख रहा है, लड़की वालों से जहेज मांग रहा है, डिमांड कर रहा है कि ये लूंगा वो लूंगा, इस किस्म के लोग, इनके अल्लाह वालों से मोहब्बत कामिल नहीं है, नाकिस मोहब्बत है। अल्लाह वालों से असली सच्ची मोहब्बत ये होती है, जैसे जैसे मोहब्बत बढ़ती जाए वैसे खुदा रसूल की फरमा बरदारी बढ़ती चली जाए। बेशक बेशक हक है। अल्लाह तक पहुंचने के जितने भी रास्ते हैं वो सब रसूल खुदा के कदमों से होके जाते हैं, कोई रास्ता हुजूर से कट के नहीं जाता। बेशक जिसको खुदा तक पहुंचना है, उसको मोहम्मद मुस्तफा की पैरवी करना है, उनकी गुलामी का पट्टा गले में डालना है, उनके पीछे पीछे चलना। ये भी गलत कहते हैं लोग के वो तो पहुंचे हुए हैं, पीर हैं, उन पे क्या नमाज, उनके लिए क्या शरीयत, उनके लिए क्या दाढ़ी, उनके लिए क्या दिन, वो तो पहुंच गए।
इस पे तो ना पहुंचता अच्छा रहता, कम अज कम नमाज तो पढ़ता यार। ऐसे लोगों के बारे में किसी ने, ये पहले से चले आ रहे हैं लगता है ऐसे लोग। हजरत जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा था कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो खुदा रसीदा हो गए, पहुंच गए, हम तो रास्ता हमने तय कर लिया, अब रास्ते पे चलने की क्या जरूरत। तो शेख जुनैद बगदादी ने फरमाया, हाँ पहुंचे मगर शैतान तक, पहुंचे तो मगर ऐसा पहुंचना, हाँ बेहोश जो हो जाता है, होश में ही ना हो, उस पर से शरीयत के आकाम उठ जाते हैं। जैसे पागल या बलियों के अंदर मजदूब, मगर मजदूब की पहचान होती ये थोड़ी है कि नमाज के टाइम बेहोश हो गया और खाने के टाइम होश में आ गया। क्या बात है, जब बेहोश होगा ना उसे नमाज का होश होगा ना उसे खाने का होश होगा, ना उसे जाड़े की परवाह होगी ना गर्मी की परवाह होगी, ना उसे ये पता होगा कि डोंगे में बोटियां किधर रखी है, खाना कैसा है, नमक है कि नहीं है, कम है कि ज्यादा है, मिर्चा है कि नहीं है, मीठा है कि खट्टा है कि फीका। जो बेहोश हो गया वो तो हो ही गया, मगर आजकल के बेहोश जो चल रहे हैं ये खाने पीने के लिए बेहोश नहीं है, मरीजों को भी खूब पहचानना है कौन मालदार है कौन गरीब है, और नोटों को भी खूब करना है कितने कहाँ से लेके घुसे, ये भी सब पता है। बस बेहोश हुआ तो नमाज के लिए बेहोश हुआ, ये बेहोश नहीं है, ये झूठा है, ये मक्का। सही बात है, कलमाए शरीफ का जिक्र करते रहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, अल्लाह की याद दिलाते हैं अल्लाह वाले। देखो ऐसे होते, एक बात याद आई मुझे, एक बुजुर्ग में अपनी दिल्ली में शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, क्या नाम है अब बोलो, चिराग दिल्ली, शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, तकरीबन 700 साल पहले के, पूरी खानकाह है इनकी दिल्ली में, बहुत बड़ी, बल्कि वो एरिया पूरा चिराग दिल्ली कहलाता है, चिराग दिल्ली, नई कॉलोनियां बनी हैं तो वो भी चिराग इनक्लेव के नाम से मशहूर है, उन्हीं के नाम। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, इनके पास एक मर्तबा लोग आए दिल्ली के और कहा कि हुजूर सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हो रही है, दुआ कर दीजिए। इन्होंने इस्तिस्का की नमाज पढ़ी, दुआ फरमाई, बारिश अब भी नहीं हुई। अब लोग इनके पास आए कि हुजूर बारिश तो अब भी नहीं हुई, तो देखिए इसे कहती है फकीरी, सुभान अल्लाह। अखबार उल अखियार में सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिद देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, वाकया डांटा नहीं लोगों को कि मेरी दुआ से तुम्हारे कितने काम बने हैं, कितने बेऔलाद साहब औलाद हो गए, कितने गरीब खुशहाल बन गए, कितने बीमार तंदुरुस्त हो गए, आज एक दुआ कबूल नहीं हुई है तो तुम मेरे पास शिकवा लेके आए हो, बारिश नहीं हुई तो। फरमाते हैं ठीक हुआ, लोगों ने कहा बारिश अब भी नहीं हुई, फरमाते हैं ठीक हुआ, अच्छा हुआ, लोग ये समझने लगे थे कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, खुदा की याद दिलाना, ऐसे लोग ये समझने लगे थे कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, अल्लाह ने ये दिखा दिया है कि उसकी मर्जी और मशीयत में हमें भी दखल नहीं है, किसी को दखल। तो बात यही है कि जितनी बुजुर्गों से मोहब्बत बढ़ती जाएगी, उस मोहब्बत की पहचान ये है कि खुदा की इबादत का शौक बढ़ता जाएगा, नमाज पढ़ने का शौक बढ़ता जाएगा, जिक्र और शुक्र में मजा बढ़ता जाएगा, तस्बीह और तहमीद में मजा बढ़ता जाएगा, मस्जिद में चक्कर लगाने में मजा आने लगेगा, सर खुदा की बारगाह में झुकेगा और दिल खुशी से भर जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। कोई रास्ता नहीं, आला हजरत ने क्या फरमाया,
तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद। सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है, बे उनके वास्ते जो खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है। बात फिर लौटा के वहीं ला रहा हूं मैं कि आला हजरत जहां हुजूर की अंबिया औलिया की तारीफें करते रहते थे, मैं ये भी ध्यान दिलाते रहते थे कि उनको बख्शने वाला, पैदा फरमाने वाला, दीन दुनिया की नेमतें देने वाला अल्लाह ही है। शक नहीं, कौन है? एक शेर और सुनो, हुजूर गौस पाक की मनकबत लिखी आला हजरत ने जी, वाकया मर्तबा गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के कैसा तेरा, औलिया मलते आंखें वो है तलवा तेरा। खूब लिखी, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, तुझसे और दहर के अख्ताब से नस्बत कैसी, कुतुब खुद कौन है खादिम तेरा चेला तेरा। खूब लिखी, डालियां झूमती हैं रक्स खुशी जोश पे है, बुलबुलें झूलती हैं गाती हैं सेहरा तेरा, किस गुलिस्ता को नहीं फसले बहारी से न्यास, कौन से सिलसिले में फैज न आया तेरा, मदराए चिश्तो बुखाराओ इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, इब्ने ज़हरा को मुबारक खो उरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। खूब लिखी है, बहुत लंबी है, उसी में एक जगह आपको ये भी मिलेगा, तवज्जो है उस पे, ये कहर के अब चंद मुखालिफ तेरे, चाहते हैं कि घटा दे कहीं रुतबा तेरा, मगर तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला। कौन बढ़ाए? हाँ, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, कौन बढ़ाए? कौन कह रहे हैं? अल्लाह, ये भुला रहे हैं कि याद दिला रहे हैं अल्लाह का। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, समझे आप? और वो तो जगह जगह उनकी किताबों में, जहां भी आप देखेंगे, मैं इस टाइम तकरीर है ये, कोई किताब लिखने नहीं बैठा हूं, दो चार बातें तकरीर में कही जाती हैं। कुल मिलाकर के बात यही है कि हमारे बुजुर्गों ने हमें अल्लाह की याद दिलाई है, और बुजुर्गों को मानने का मतलब यही है कि उनके जरिए से खुदा की इबादत का ज़ौक पैदा हो। सही बात, अल्लाह ताला हमें भी अता फरमाए, आमीन, और आपको भी अता फरमाए, आमीन, इसी पे कायम रखे, आमीन, समझे आप? और बुजुर्गों से मोहब्बत क्या है, बुजुर्गों को मानने का भी, बुजुर्गों तीन बातें हैं, एक तो बुजुर्गों को मानना जरूरी, और ये जानना भी जरूरी है कि मानने का मतलब क्या है, मानना किसे कहती, और ये जानना भी जरूरी है कि बुजुर्ग किसे कहती है, नहीं बुजुर्ग कौन है, वली कौन है, ये भी जानना जरूरी है। बुजुर्गों को मानना भी जरूरी है, और ये जानना भी जरूरी है कि बुजुर्ग होते कौन है, बुजुर्ग किसे कहते हैं, वली किसे कहते हैं, कि जानना भी जरूरी है। जब तक ये जानोगे नहीं, तब भी घाटे में रहोगे। ऐसा ना हो कि लोग तुम्हें धोखा दे दें, तो बुजुर्गी के नाम पर तुम्हारे घरों में, तुम्हारे घरों पे छापे मार ले। बुजुर्गों के आजकल तो ये कन्ने धन्ने वाले बहुत चल रहे हैं, ये बुजुर्ग बन गए, गंदे तावीज पड़ा फूकी इतनी बढ़ गई, हालांकि पड़ा फूकी के थोड़ी बहुत जो दायरे शरीयत में, हम भी कायल हैं, दायरे शरीयत में रहकर के हो तो बुजुर्गी करने धन्ने थोड़े बहुत जो जायज हैं उनके हम भी कायल हैं, मगर आजकल वो चीज इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है
कि हर मामले में जितने भी हैं ये कन्ने धन्ने वाले ज्यादातर इनमें के ये बताते हैं भूत है, कराया हुआ है, जिन्न है, जादू है, आसेब है। एक मेरे पास आया कि वो बीमार रहता हूँ, तबीयत खराब रहती, क्या बात है? मैंने कहा बात क्या है, बीमार हो दवा खाओ अल्लाह ताला शिफा देगा। बोले कुछ है, फला ने ये बताया है कि वो किसी एक कराया हुआ है। तो मैंने कहा जिसने बताया है वो काट क्यों नहीं रहा है, जिसने बताया उसी से कहो, जब बताते हैं तो काटते क्यों नहीं। मैंने कहा अस्पताल भरे पड़े हैं मुरादाबाद के, बरेली, रामपुर के, एक एक अस्पताल में कई कई सौ मरीज सब कराए हुए हैं, पांच पांच हजार, दस दस हजार की लंबी लंबी रकम ले लेते हैं ऐठते बैठ करके। और सुनो, जो अल्लाह वाले सच्चे करने वाले होंगे, अच्छे भले लोग होंगे, वो लंबी रकम कभी नहीं लेंगे, या तो लेंगे ही नहीं, और लेंगे तो अपनी जरूरत के लायक थोड़ा बहुत लेंगे, थोड़ा बहुत, याद रखना मेरी बात जी, जरूरत के लायक थोड़ा बहुत, मालदार बनने के लिए नहीं, करोड़पति बनने के लिए नहीं, वो करने धरने वाले ही नहीं, वो पीरी नहीं, बल्कि मौलवी भी, मुकद्दर भी, ये लंबी लंबी रकम लेने वाले के दीन की असली, दीन की तबलीग नहीं कर रहे हैं, दीन की असली तबलीग बनने वाले मालदार बनने की फिक्र नहीं करते हैं, बल्कि अपनी जरूरतों को पूरा करने की फिक्र। सुभान अल्लाह, हक हक, बेशक बेशक, जिंदाबाद। जब आप जुमले की तारीफ कर रहे हैं, मेरा जुमला थोड़ी हदीस है, हदीस सुन लो, हदीस सुन लो। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इनके मुंह से निकला बहुत बढ़िया जुमला, मेरा ईमान ताजा हुआ कि अल्लाह के रसूल से बढ़िया जुमले कौन बोलेगा। हदीस में फरमाते हैं, कद असलहा, कद असलम, कद अफलाहा मन असलमा, रोजे का कफाफन व कन्नाहुल्लाहु बिमा आता। फरमाते कामयाब रहा वो आदमी जो इस्लाम ले आया, मुसलमान बन गया, अल्लाह का शुक्र करो अपना लोग सब मुसलमान, कहो या अल्लाह तेरा शुक्र है, बोलो तो मुसलमान बना। पर रोजे का कफाफन और जरूरत के लायक रोजी रोटी दिया गया, कितनी रोजी रोटी, वकन्नाहुल्लाहु बिमा आता, और जो अल्लाह ने उसको दे दिया उसी पर उसको सब्र अता फरमा दिया, उसने उसके ऊपर सब्र कर लिया कि मेरे लिए इतना ही बहुत है, मुझे दुनिया ज्यादा नहीं बढ़ाना है। अल्लाह वाले दुनिया को ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि दुनिया सब छोड़ना पड़ती है, छोड़ना पड़ेगी, उसे बढ़ाए से क्या फायदा। रहने को छत मिल गई, खाने को सादा सूदी रोटी मिल गई, तन ढकने को कपड़े मिल गए, जरूरतें पूरी हो गई, जो जरूरी काम पे जरूरी। देखो एक होती है जरूरत, एक होता है शौक। कई बातें हुई, दो, पहली क्या, दूसरी शौक। मोमिन की शान ये है कि जरूरतें पूरी करता है, शौकीन नहीं होता। माने थे ना माने, और इस वक्त जो मुसलमानों पर मैं तबाही देख रहा हूँ, बर्बादी, लोग कहते हैं यो वो वजह वो हुकूमत, हुकूमत हुकूमत वाली बात है, सब बात की, मुसलमान शौक पूरे करने में गैर मुस्लिमों से आगे बढ़ गया, जिससे ये कहा गया था कि दुनिया कुछ नहीं है। हदीस सुनो, और फरमाते इन्ना मसल दुनिया फिल आखिरा कमै यजअल अहदुकुम इसबाहु फिल यम फलयंजुर बिमा यरज। मेरे आका फरमाते दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबले में ऐसी है जैसे तुम में से कोई समुद्र में उंगली डाले। कमै यजअल अहदुकुम इसबाहु फिल यम, क्या डाले,
उंगली काय में समुन्द्र में फल यंदुर बेमा यरजे, फिर उसको निकाल के देखे कि तेरी उंगली में कितना समुन्द्र आ गया, डाले कितना आ जाएगा उंगली में समुन्द्र। बोलो डरो मत, मैं इतना बड़ा मौलाना नहीं हूं कि मुझसे डरा जाए। कितना आ जाएगा? तरासी तरी। अच्छा, मौत को मरते हुए को देखो। अभी मेरी मालूमात में कई लोग ऐसे मरे हैं कि प्रॉपर्टी बढ़ाते बढ़ाते खुद ही बढ़ गए। बहुत से मैंने ऐसे देखे कि मकान बना रहा है, इतने शौक पूरे कर रहे हैं, अरे यार छत मिल गई रहने को, पक्का बन गया, कीच कांच से बच गए, आंधी तूफान से बच गए, बारिश से बच गए। एक मुसलमान के लिए काफी हो गया ना, डिजाइन ढूंढी जा रही है, नक्शे देख देख के आए जा रहे हैं। तो मेरी नजर में कई लोग ऐसे हैं, मेरी नजर में तुमने भी देखे होंगे कि मकान बनाते बनाते ही मर गए। ये खाली मौलवियों की बोली नहीं है, वाकई दुनिया कुछ नहीं है जरूरत के लायक, समझे। आजकल हमारी एक हमारा एक पैगाम चल रहा है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, सादा खाना, सादा मकान, सादा कपड़े, सादा शादी। क्या चीजें हुई? चार, सादा खाना, सादा मकान, सादा कपड़े और सादा शादी। मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है कि इसके ऊपर मुसलमान अमल कर ले तो कोई परेशानी भी नहीं आएगी और जितनी समस्याएं सब हल हो जाएगी। मेरा दावा, कमाने की फिक्र कम होगी, दुनिया देख के मुतासिर होगी, समझे नहीं। जो दुश्मन है यही गर्विदा होंगे कि वाकई दुनिया के अंदर इंसान आए तो मोहम्मद के गुलाम है। और यही फकीरी, यही तसव्वुफ है जिनका जिक्र करने बैठे, बिल्कुल उनकी तरह नहीं हो सकते, जंगल नहीं जा सकते, मगर कुछ तो हो। तुम तो हंसते आए बढ़ गए, शादी कहां से कहां पहुंचा दी। हदीस में तो ये लिखा है, हदीस सुनो, मेरी बात ना सुनो, रसूलुल्लाह की बात सुनो, इसका कलमा पढ़ती है तमाम दुनिया की उम्मत। इन्ना आदमन निकाह बरकतन है सरुहा मऊना, जिस शादी में जितना खर्चा कम होगा उसमें उतनी बरकत ज्यादा होगी। जब से खर्चे बढ़े हैं तभी से झगड़े बढ़े हैं, जब से खर्चे बढ़े हैं तभी से मुकदमे बढ़े हैं। भारी भारी शादियां करने के बाद भी लड़कियां महकमों में पड़ी हुई हैं। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? बात वही है कि कहां जाओगे रसूल खुदा को छोड़ करके, जहां जाओगे कहीं चैन नहीं मिलने का है, क्योंकि चैन तो अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा के कदमों में रखा है। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तदार अपनी। हमें करनी है शाहिनशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। ये शेर तो किसी और शायर के हैं, इसी जमीन में हमारे बदीले शरीफ के रहान मिल्लत मौलाना रहान रज़ाखा रहमतुल्लाह अलैह ने कलाम लिखा था, उस वक्त लिखा था जब तुम्हारे मुरादाबाद में ईदगाह कांड हुआ था। आपको ध्यान फरस्सी की बात है, बड़ा चर्चा था हिंदुस्तान में, लखनऊ के किसी मजलिस में पढ़ा था हजरत ने, समझा आप, कलाम एमएलसी भी थे ना। न दो इल्जाम गुलची को चमन के बागबान तुम हो, न दो इल्जाम गुलची को चमन के बागबान तुम हो, तुम्हारे दौर में कैसे लुटी फसले बहार अपनी।
हुकूमत को लताना था, हुकूमत वाले कह रहे थे कि उसने कर दिया, कि उसने एक दूसरे पर टाल रहे थे, समझे। मुनासिब है यही रहाना दिल फैसला कर ले, मुनासिब है यही रहाना दिल फैसला कर ले, कि चमन में खुद ही देखेंगे चमन वाले बहार अपनी। क्या बात, सादा खाना जा रहा हूं मैं आपकी खिदमत से, लंबी बात नहीं करूंगा जी, कोशिश करो। सादा खाना, हाँ सादा कपड़े, ये नहीं है कि सारा दिमाग डिजाइनों में लगा दिया, कपड़े ही नहीं मिल रहे, दस दस दुकानें ढूंढ ली कपड़ा ही नहीं मिला, और कम कपड़े, तीन जोड़ी जाड़ों के तीन जोड़ी गर्मियों के रखो, ज्यादा मत रखो। मेरा भी इस पे हमारे अल्लाह करम से, कुछ बढ़ जाते हैं वो लोग दे देते हैं, मना नहीं कर पाता हूं, वरना मेरा अमल इसी पे, और कोई परेशानी भी नहीं होती, बिना वजह संदूक भरो अटैची भरो पे मरो, घर वाले देख देख के रो रहे हैं, अब तो पुराना कपड़ा मांगने वाले भी नहीं ले रहे हैं, किसी को देना चाहो तो बुरा मान रहा, परेशानी कुछ नहीं होगी, बस शौकों में कमी आ जाएगी। शौक क्या होता है, हमेशा नहीं तो कभी कभी तो सादे खाना खाओ, हर वक्त हर वक्त, समझे, बगैर गोश्त के पेटी नहीं भर रहा, बंद हो गया तो रोए फिरना है। एक बार हम एक बुजुर्गों की बातें सुनो, फकीरों की अल्लाह ताला कबूल फरमाए, देखो फकीरी से कहते हैं, हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक बार लोगों ने शिकायत किया, शेख बगदाद के कस्साबों ने गोश्त महंगा कर दिया। हजरत से शिकायत करने पहुंचे, हजरत ने आंखें उठाई, फरमाया खाना छोड़ दो अपने आप सस्ता हो जाएगा। ये है फकीरी लाइन की बात है, अगर दुनिया फकीरी अपना ले सब सही हो जाएंगे, सब सही हो जाएंगे, आप दुनिया चल गरीबों पर ही रही है, सुन लो कान खोल के। सादा खाना, सादा कपड़े, सादा मकान और सादा शादी, हाँ और शादी के मामले में ये मुंह से मांग करके लेना ये तो हराम है। डिमांडें चल पड़ी हैं, नकद पैसा लेंगे, ऐसी गाड़ी लेंगे, ऐसा बेड लेंगे, ऐसा फर्नीचर लेंगे, ऐसा खाना लेंगे, ये मांगना हराम है, तो मुफ्ती लोगों से फतवा लेके देख लो, तुम मेरी ना मानो। अब तुम हराम घर में भर रहे हो, फिर कह रहे हो बरकत नहीं हो रही है, फला मजार पे चलो, मजार पे जाने से ही काम नहीं चलेगा, तेरे घर में हराम भरा हुआ है। बेशक दुख देना लड़की वालों को, परेशान करना रिवाज बन गए, हमारी तरफ बहुत रिवाज बन गए, अभी ईद आती है तो लकड़ी लड़की वालों को सिवंजे लेके आना, 20-20 हजार की सिवंजे बैठ रही है उसके साथ में, बादाम पिस्ता चिरौंजी अखरोट काजू, क्या 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 क्या, 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 क्या समझे आप, घर भी चल रही है, सब बरात आ रही है तो हलवा बैठ रहा है 20 हजार का, हलवी पूरी पूरी बैठ रही है साहब 10 हजार की, जाड़ों के दिन आ रहे हैं, गर्म कपड़े लेके आना है सबके लिए, देवर पहनाना है सबको, कभी फूटे मुंह से कह नहीं सकते, मोमिन बने फिर रहे मुसलमान, अल्लाह ताला कबूल करे ईमान को तुम्हारे। आमीन। मैं बद्दुआ तो किसी को नहीं देता हूँ, मगर मेरी बात को सुनो, फूटे मुंह से ये कह नहीं सकते कि हमारे घर में सब कुछ है, हमें ना हलवे की जरूरत है, ना पूड़ियों की, ना खिचड़े की, ना मलीदे की, हमारे यहाँ लेके कुछ मत आओ, हमें आपकी बेटी करना है, हमें कुछ नहीं चाहिए, इतना कह दो, इतना कहने में क्या जाएगा, अगर घर में है तो नहीं है तो कहो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, माहौल बदलेगा, रिवाज कम होंगे, खर्चे कम होंगे, गरीब आदमी कीना तान के निकले। थोड़ा बहुत लड़की वाला जहेज के नाम पर कुछ दे, तोहफे ताहिब बोलते हैं इसको, तो इसकी इजाजत है, लेकिन ये बहुत ज्यादा देना लड़की वालों के लिए अच्छा नहीं है,
शेखी दिखा रहे हैं, दे दे के माहौल खराब कर रहे हैं। जब दे दिया बौस्ता मिल गया उसको, तब और उसको मिल गया तो और सोचेंगे हम भी वहीं करें जहां मिले। लड़की वालों ने माहौल बिगाड़ा है, समझे। ये फकीरी लाइन के तो बहुत दूर बात है। ये फकीरी लाइन का मतलब तो ये समझ लिया है, बस उर्स कर लो, बिल्ला लगा लो और झंडा लगा लो बारहवीं शरीफ का। ऊपर झंडा लगा हुआ है छत के ऊपर और नीचे दिल में बेरहम है, लड़की वालों को नोच रहे हैं, पड़ोसियों को सता रहे हैं, रिश्तेदारों को खून पी रहे हैं, झूठे मुकदमे लड़ा रहे हैं, गरीबों को तंग कर रहे हैं कि झंडे ऊपर ऊपर हैं। देखो मुसलमान जो है झंडों से सिर्फ नहीं होता, सिर्फ उर्सों से नहीं होता, बल्कि मैं तो ये तक कहता हूँ कि मुसलमान सिर्फ नमाज और दाढ़ी से भी नहीं होता, जब तक कि सच्चा मुसलमान वो है उसका दिल भी मुसलमान हो, ऊपर से मुसलमान हो, अंदर से मुसलमान। बेशक हक है, कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तसव्वुफ क्या है, एक हदीस और सुन लो फिर बात को खत्म कर दो। तसव्वुफ, हुजूर फरमाते हैं अला तस्मऊना, अला तस्मऊना, क्या तुम लोग सुनते हो, क्या तुम लोग सुनते हो। लोगों का क्या बात या रसूल अल्लाह, फरमाया इन्नल बदादता मिनल ईमान, इन्नल बदादता मिनल ईमान, सादगी मोमिनों की शान है, सादगी मोमिनों की शान है। ठाट बाट नहीं बल्कि सादगी। एक हदीस और याद आ गई, खत्म कर रहा था मैं बात को। सैयदना मुआद बिन जबल को हुजूर ने जब यमन का गवर्नर बना के भेजा तो उन्हें वसीयत फरमाई, गवर्नर बना के भेज रहे हैं हाकिम यमन जैसे मुल्क का, फरमा रहे इय्याका वत्तनअम फइन्न इबादल्लाह लैसू बिल मुतनअमीन। ए मुआद गवर्नर बन करके भी तुम ऐश परस्त मत बन जाना, आराम तलब मत बन जाना। इन्न इबादल्लाह लैसू बिल मुतनअमीन, अल्लाह के नेक बंदे ऐश परस्त नहीं होते, आराम तलब नहीं, समझे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर वक्त मौत को याद रखो। उतरते चांद ढलती चांदनी, जो हो सके कर ले दूसरे, सुन लो हालात के, फिर हम तो चले चले ही, समझो यहीं से थोड़ी दुनिया से ही। हाँ, कौन रह जाएगा, हम ही थोड़ी जाएंगे, सभी जाएंगे। अल्लाह ताला गनी के रहमत फरमाए, आपके इलाके के एक जबरदस्त आलिम व फाजिल जामे माकूल व मनकूल हजरत अल्लामा मोहम्मद हाशिम साहब मुरादाबादी, अल्लाह रहमत का परसों इंतकाल हुआ है ना, 40-45 साल जामिया नईमिया मैं तदरीस व तालीम की खिदमात अंजाम दी, बड़ी खूबियों के हामिल थे। इधर जलसों में आता था, मुलाकातें होती थी, मैं जलसों में जाता था, बड़े खुश अखलाक खुश मिजाज थे, तकदीस बड़ी जामे मोहतात, बड़ी मुख्तसर बड़ी जामे तकदीस फरमाते। तो सभी को जाना है, हम ही क्या, सही बात है। उतरते चांद ढलती चांदनी, जो हो सके कर ले, उतरते चांद ढलती चांदनी, जो हो सके कर ले, अंधेरा पाको आता है ये दो दिन की उजाली है, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकता था, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकता था, खुदा को याद कर, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकता था, खुदा को याद कर, किसको याद कर, कौन कह रहे हैं, किसका शेर है, बोलो
आला हजरत इनके बारे में लोगों ने कहा था वो अल्लाह को भुला रहे थे, जहां तो बात चली थी ये भी उनकी करामत है कि वहीं आ गई। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उठता था, खुदा को याद कर, किसको याद कर, हाँ खुदा को याद कर, प्यारे वो साथ आने वाली है। قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته।